जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को अस्पताल में कल रात भर्ती करवाया गया। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया और इस वक्त अपडेट ये आ रही है अस्पताल की तरफ से कि पीएम मोदी की मां हीराबेन की हालत स्थिर बताई जा रही है। एक छोटा सा प्रेस नोट जारी किया है अस्पताल की तरफ से, जिसमें ये लिखा गया है कि उनकी हालत इस वक्त स्टेबल है और इससे ज्यादा जानकारी अस्पताल की तरफ से इस वक्त सामने नहीं आई है। लेकिन कल रात को कुछ तकलीफ, कुछ शिकायत के चलते प्रधानमंत्री मोदी की माताजी हीराबेन को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस वक्त जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक हो सकता है कुछ देर बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अस्पताल पहुंचे और उनकी हालत का जायजा लें। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो हैं गुजरात के, वो लगातार उनकी हालत पर अपनी ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, नजर बनाकर रखे हुए हैं। इस वक्त एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी की माताजी की हालत के बारे में जानकारी मिलने के बाद, और ये कहा है कि पीएम की मां जल्द स्वस्थ हो यही कामना कर रहे हैं। और उनकी माताजी के लिए प्रियंका गांधी का ये ट्वीट, कठिन समय में पीएम के साथ हूं। प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है जो अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। ये है प्रियंका गांधी का ट्वीट जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ, इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उन्हें जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। अब से कुछ देर पहले करीब 3 बजे राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के स्वास्थ्य के बारे में ट्वीट किया था। उन्होंने माँ और बेटे के बीच के प्यार को अनंत कहते हुए कहा था कि इस कठिन समय में वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, उन्हें अपना समर्थन देते हैं और ये आशा करते हैं कि जल्दी उनकी माताजी स्वस्थ हों। ऐसा ही एक ट्वीट अब प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आप देख रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के लिए अपनी बेस्ट विशेस भेजी हैं और ये भी कहा है कि इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ये दो ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी का इससे पहले ट्वीट आया था करीब 3:04 पर, जब समाचार उन्हें मिला होगा प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के अस्वस्थ होने का, और उन्होंने उस ट्वीट में जिक्र किया है कि एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।